Yes, student, see 40, this is 59 question, not 47, this 40, 59 question. We were having in this question, three partners, Ram, Shyam, and Mohan. Right? So that is what he is giving me in the question. Now what he is saying, their proficiency ratio is 2:1:2. Their capitals are fixed, good. Means main adjustment entry current account ki help se karungi as the capitals are fixed. So capitals he is giving 3 lakh, 1 lakh and 2 lakh. For the year ended 31st March 2021, infusion capital was credited to them. Yes, ek nahi baat. हमने 9% से दे दिया इंटरेस्ट, लेकिन देना कितने परसेंट से था? 10% थे. इट मींस कि जो आपने 9% से दिया है वो रॉन्ग है, उसको मैंने क्रॉस लगा दिया और 10% से आपने उनको इंटरेस्ट देना था. दो ढंग है बच्चे, या तो 1% और दे दो या 9% वापस ले लो और 10% उन्हें दे दो. ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू वॉन्ट टू डू दिस क्वेश्चन. मैं वही वाला करवाऊंगी, 9% आई विल बी टेकिंग बैक एंड 10% आई विल बी गिविंग टू देम, राइट. और प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट शोन, प्रॉफिट इज गिवन. आप देखिए जी, अगर मैं 1% और देती हूं तो क्या होगा? क्योंकि 9% ऑलरेडी दे चुके हैं. ठीक है, 1% और देंगे तो 3 लाख का 1% अगर हम कैलकुलेट करते हैं, 10% कैलकुलेट करते हैं तो 30,000, 1% 3,000 और दे देंगे, 1,000 शाम को दे देंगे एंड 2,000 लास्ट वाले पार्टनर मोहन को दे देंगे. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दे रखा है? 2,50,000. इस 2,50,000 में 9% ऑलरेडी क्या हो चुका है? चार्ज हो चुका है. यही लिखा ना उसने, 9% ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, तो 1% और चार्ज करेंगे. सो हाउ मच आई विल बी डिडक्टिंग? 2,50,000 को पहले तो वापस ले, फिर नया प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करो. 2/5, 1/5 एंड 2/5. मान लिया किससे वापस लो? 50,000 इनसे वापस लो, सेकंड वाले से, और 1 लाख थर्ड वाले से वापस लो. सो दिस प्रॉफिट वी विल बी टेकिंग बैक, राइट, बिकॉज दिस वॉज द रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. इंटरेस्ट का मैंने आपको डिफरेंस से करवा दिया, ये हम लोगों ने गलती से उन्हें प्रॉफिट डिवाइड कर दिया था. इट शुड नॉट बी लाइक दिस. हमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? सो हियर बाय अगेन आई एम डाउटफुल बिकॉज ही हैज नॉट गिवन मी कि 9% प्रॉफिट में से एडजस्ट हो चुका है कि नहीं. उसने वैसे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होने से पहले, इट मीन्स कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब चार्ज करेंगे. 30 + 10 = 40, 40 + 20 मेरे हिसाब से 60,000 माइनस होना चाहिए. फिर भी देख लेते हैं इसने आंसर कैसे निकाला होगा. दिस इज अकॉर्डिंग टू मी 1,90,000 शुड बी द प्रॉफिट विच वी शुड डिवाइड. सो वी विल सी 1,90,000 को 2/5, 1/5 और 2/5 में डिवाइड करेंगे, राइट. लेट्स प्रिपेयर द एनालिसिस टेबल. इस साइड पे रहेगा 3,000, 1,000, 2,000 माइंड में रखिएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 1% इज नाउ मोर टू बी क्रेडिटेड. सी द एनालिसिस टेबल. जो गलत है उसे वापस लेना है, जो सही है बस उन्हें देना है. यही तो है वर्डिंग. अगर आपको देखना, राम श्याम एंड मोहन तीनों के डेबिट क्रेडिट. प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,50,000 इज नाउ टू बी डेबिटेड बिकॉज दैट हैज बीन रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, ये वो हम लोग उनसे वापस लेंगे. दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट, दिस इज डेबिट क्रेडिट एंड सेम इज हियर. नाम लिख लीजिए, फर्स्ट पार्टनर इज राम, सेकेंड पार्टनर इज श्याम एंड देन वी हैव लास्ट पार्टनर मोहन. सो प्रॉफिट जब उनसे वापस लेना है तो डेबिट करना है. पहले से 1 लाख वापस लीजिए, दूसरे से 50,000 और तीसरे से 1 लाख. अब डिफरेंस से उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 1% इज नाउ मोर टू बी प्रोवाइडेड, इज टू बी क्रेडिटेड. सो 3,000 इसको, 1,000 इसका था और 2,000 इसका. ठीक है, अब सही वाला प्रॉफिट हमारे पास 1,90,000 है.
राइट 1,90,000 को वी विल डिवाइड, 1,90,000 को डिवाइड करिए, तो 1,90,000 रेशियो क्या थी, 2/5 देखिए जाता है, 5 3 15 8 76,000 ठीक, उसका कितना बनेगा 38 एंड द लास्ट वन इज अगेन गेटिंग 76,000. Now what to do? Let's see. Yes, students, what we did? We assumed hereby कि पूरा interest उसने deduct नहीं किया, but एक line उसने लिखी है 9% interest वो already minus कर चुका है, जबकि interest कितना minus करना था 10%. It means कि 1% interest और minus करिए. जब मैंने 1% interest minus किया तो 6,000 profit, 3,000 plus 1,000 plus 2,000. I need to deduct more. So, मेरा सही वाला प्रॉफिट आएगा 2,50,000 माइनस 6,000, दिस इज माई राइट प्रॉफिट 244. सो 244 को मैंने डिवाइड किया 2/5, 1/5 एंड 2/5 में. जब मैंने इसका 2/5 किया तो दैट कम्स टू मी, ये मैंने लिखा 97,600. लेट मी राइट इट क्लियरली. सो मीटर वाले पार्टनर का आएगा 48,800. लास्ट वाले पार्टनर का फर्स्ट जैसा सेम ही आएगा 97,600, राइट? नाउ इट इज विजिबल, सी 97,600. तो आपको सिखाया हुआ जो साइड बड़ी है डिफरेंस वहीं पे आएगा. सो राम इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड इन द एंट्री, श्याम इज गोइंग टू बी डेबिटेड इन द एंट्री विद 200, मोहन इज ऑल्सो गोइंग टू बी डेबिटेड इन द एंट्री विद रुपीज 400. सो दीज थिंग्स वी विल ऑलवेज लर्न विद प्रैक्टिस. देखो मेरे को भी कंफ्यूजन होगी क्योंकि उसने वर्ड लिख दिया था बिफोर इंटरेस्ट, बट ऑलरेडी 9% इंटरेस्ट दे हैव चार्ज्ड. इट मींस कि 1% इंटरेस्ट और माइनस करना है. तो यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट बनाइए और जर्नल एंट्री पास करिए. श्याम्स क्योंकि कैपिटल्स आर फिक्स्ड, श्याम्स करंट अकाउंट डेबिटेड, हाँ जी मोहन्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, राम्स करंट अकाउंट, राइट? श्याम्स करंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड विद हाउ मच अमाउंट, 200, दिस इज 400, और मोहन का 600 से क्या होगा क्रेडिट, बीइंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% प्रोवाइडेड इंस्टेड ऑफ 10% नाउ रेक्टिफाइड. ठीक है, 9% से ऑलरेडी इंटरेस्ट प्रोवाइड हो चुका था, जबकि प्रोवाइड करना था 10% से, अब रेक्टिफाई कर दिया. अब इससे रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन होगी दैट आई विल नॉट सॉल्व, दैट इज योर ड्यूटी टू सॉल्व नाउ. ठीक है, सो दिस वाज 59. कम टू 60th क्वेश्चन. 60th क्वेश्चन फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज, सी दैट एवरीवन रीड द स्टेटमेंट ऑन योर ओन. इन 60th क्वेश्चन वी हैव टू पार्टनर्स सिमरत एंड बी, we have two partners Simrat is to be, their profit sharing ratio is 3:2. फिर से वर्ड लिखा है on 31st March. It means कि whatever capital he is talking about in the question, that is the closing capital, right? So my first duty is to calculate the opening capital. So here I make the column, I make a table, calculation of opening capital. वही पार्टनर से सिमरत और बी, देखिए जी हमें कितनी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 480 and 6 lakh. यहाँ पे हम लिखा करते हैं क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स क्या करेंगे ऐड और प्रॉफिट क्या करेंगे माइनस, राइट? सो दिस इज व्हाट, सी द बोर्ड, क्लोजिंग कैपिटल पहले की 480 and the second partner is having the capital of rupees 6 lakh. Now see the drawings. Yes, this is a new point in this question. And hereby, for doing this question, I need to discuss firstly an illustration with you. Then only you will get this question. Because hereby, with the time, he has introduced a new topic that on the basis of time, we are supposed to calculate interest on capital. And I do have the ditto illustration relating to it, that is interest on capital.
he is talking about interest on capital in the illustration. Let me tell you, there also two partners are there. Yes, 50th illustration पहले निकाली, 60th question बाद में करते हैं, अब 50th illustration निकाल. See 50th illustration first of all. That will act as a base to solve this question. ठीक है? अभी आपको समझ नहीं आएगा जब तक आपने illustration नहीं समझी. वहां पे भी कुछ हद तक टॉपिक ऐसा ही डिस्कस किया है. Let's see 50th. X and Y वहां पे सिमरत और ईफ है, यहां पे X और Y में पार्टनर्स. X and Y are the partners and their profit sharing ratio is 3:2. Done. फिर से 31 मार्च की बात कर रहा है, जब अकाउंट्स क्या करे थे, क्लोज करे थे. 31 मार्च को A की कैपिटल 10 लाख थी, X की और दूसरे की 12.5 लाख. अब देखना ट्रिक क्या. What he said. X introduced first मेरे को additional capital थी. X ने introduce करी 2,50,000 और Y ने first मेरे को withdraw किया, वो मैं minus के sign से लिखती हूँ, 125. ये additional information है, बाद में इसका क्या करना, we will see. फिर 1 अक्टूबर को X ने विड्रॉ किया 5 लाख और Y ने इंट्रोड्यूस किया 6,25,000. क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाया भाई. राइट, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम हैज बीन ओमिटेड ड्यूरिंग द ईयर. X की ड्रॉइंग्स और Y की ड्रॉइंग्स हमें दे रखी है. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे रखा है, सो प्रॉफिट आई विल बी डिडक्टिंग एंड ड्रॉइंग्स आई विल बी एडिंग. पहले केस में ये मान के चलो कैपिटल्स आर फिक्स्ड. इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान बन जाता. कैसे? क्योंकि कैपिटल जितनी बिगिनिंग में है उतनी ही एंड में. राइट, तो मैं पहला केस करवाऊंगी व्हेन वी हैव इन द क्वेश्चन व्हिच कैपिटल ही इज गिविंग, क्लोजिंग कैपिटल ही इज गिविंग. सो लेट मी टेल यू, ये बाद में लिखते हैं भाई, विथड्रॉल और एडिशनल कैपिटल इंक्रीज. फर्स्ट केस देखिए, व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड. First case, when the capitals are fixed. अब आपको सिखाया होगा जब capitals fixed होती हैं, तो जो beginning में capital है वही end में capital रहेगी. लेकिन यहाँ पे उसने the capital in case of fixed capital, capital gets changed only due to two circumstances. One is withdrawal of capital, another is additional capital introduced. So यहाँ पे question में दोनों चीजें दी हैं और capitals are fixed. So, जो कैपिटल का विड्रॉल है वो क्या करिए, पहले माइनस हुआ होगा अब ऐड कर दीजिए, और एडिशनल कैपिटल पहले ऐड हुई होगी अब माइनस कर दीजिए. करिए फिर ऐड विड्रॉल ऑफ कैपिटल. कैपिटल फिक्स होने के बावजूद भी विड्रॉल ऑफ कैपिटल एक्स का कितना दे रखा है, एडिशनल कैपिटल विड्रॉल देखिए एक्स का कितना है, 5 लाख. यस, ठीक है. और वाई का विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना है, 125. रिवर्स आई विल बी डूइंग, दिस विल काउंट टू मी 15 लाख, दिस इज 13,75,000. दिस इज विद दो तरह की ड्राइंग्स है क्वेश्चन में, माइंड इट. जो सेकंड लास्ट लाइन में लिखी है दैट इज ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, बट इन द पैराग्राफ व्हाट एवर ही इज टॉकिंग अबाउट दैट इज द विड्रॉल ऑफ द कैपिटल. सो दो द कैपिटल इज फिक्स्ड, इवन देन इट विल गेट चेंज्ड ड्यू टू द एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड ड्यू टू withdrawal of the capital. So hereby they were withdrawing. Already ये minus हुआ होगा opening capital निकालने के लिए, मैं इसे add कर रही हूँ. और उसके बाद additional capital introduced. Profit की तो इसमें adjustment ही नहीं हुई होगी क्योंकि capital fixed है. Profit की adjustment तो हमने current account की help से की होगी, लेकिन additional capital introduced है भाई. X ने introduce करी थी 250 और Y ने introduce करी थी 625. So this is the case. 12,50,000 opening capital and 7,50,000 opening capital of Y. अभी question तो शुरू हुआ है, क्योंकि उसने question में पूछा है interest on capital मेरे को calculate करके बताओ. Calculate interest on capital past adjustment बना ही नहीं,
ये नहीं पूछा कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, वी विल आल्सो पास द एडजस्टमेंट एंट्री, वी विल प्रिपेयर द एनालिसिस टेबल एज वेल, राइट। लेकिन पहले इसको कंप्लीट तो करें। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल्स आई हैं, नाउ आई विल बी कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन इट। जरा ध्यान से देखिएगा, फिर एनालिसिस टेबल बनाएंगे पहले केस का व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। सो ओपनिंग कैपिटल लेट मी राइट हियर 12,50,000। बुक की कैलकुलेशन जैसे मर्जी करें, मैं टाइम वाइज करवाऊंगी आपको। दिस इज 12,50,000 and then we have 7,50,000। अब उसने फर्स्ट मई को हमें कुछ बोला था, पहले एक्स का कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट मई को एक्स ने क्या किया था, एक्स इंट्रोड्यूस 2,50,000 मींस प्लस हुआ। उसके बाद फर्स्ट अक्टूबर को हुआ, एक्स ने क्या किया था, विथड्रॉ किया था 5। पहले एक्स का कैलकुलेट करते हैं और मैच करते हैं बुक के साथ। दिस कैपिटल विल बी ऑन 1st अप्रैल। इट मीन्स कि 1st अप्रैल से लेके 1st मई या 30th अप्रैल तक कैपिटल 12.5 लाख रही। इस 12.5 लाख के ऊपर मैं एक महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगी। आई विल बी कैलकुलेटिंग मंथ वाइज। 12,50,000 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन द इक्वेशन, दैट इज 6%। चलिए जी कैलकुलेट करते हैं। नीचे देखिए या इसके बिल्कुल एडजस्टमेंट देखिए, वाई का बाद में कैलकुलेट करें। 12,50,000 के ऊपर 6% बट फॉर 1 मंथ, वो जैसे मर्जी करे हमने ऐसे ही करना। 2,12,500 पहली कैपिटल के ऊपर। अब आपकी कैपिटल कितनी होगी, 12.5 में 2.5 लाख उसने और ऐड किया, आप कैपिटल बन गई 15 लाख। इस 15 लाख के ऊपर अब इंटरेस्ट लगेगा 6% के हिसाब से। लेकिन अगली चेंज कब आई, अक्टूबर में। सितंबर तक कितने मंथ बनेंगे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने। इस कैपिटल के ऊपर 5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। फिर कैपिटल आपकी माइनस हुई, 15 लाख में से 5 लाख माइनस हुआ। 1st अक्टूबर के बाद कैपिटल आपकी 10 लाख रह गई, ठीक है जी। 10 लाख के ऊपर 6%, लेकिन आने वाले 6 महीने। सो यू कैन वेल इमेजिन, 1 महीने का, फिर 5 महीने का, फिर 6 महीने का, ओवरऑल 12 महीनों का इंटरेस्ट हो गया। चलो जी कैलकुलेट करो। 2,500 बनेगा, चेक करो बुक में से। 52,500, 6,250,0578, 57,750 will be the interest on your X capital. Yes, check it. Yes, student, make the correction over here. 7,500 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आर मल्टीप्लीकेशन आंसर कम 37,500. Now add it up. 0,573,73. 73,750 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, अब दे दें, राइट। बट द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, सो दिस इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन एक्स कैपिटल। चलिए जी वाई का भी सेम ही निकालेंगे। वाई की ओपनिंग कैपिटल वाज डेट्स आर सेम, लेकिन उसने पहले विड्रॉ किया है, बाद में इंट्रोड्यूस किया है, उसको भी कैलकुलेट करो। बुक के साथ नहीं जाना, बुक वाला क्राइटेरिया नहीं समझ लगेगा आपको। 7,50,000 फर्स्ट मई को इसने विड्रॉ कर लिया, 125 माइनस में लिख दीजिए। फिर इसके एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी 625। चलिए 7,50,000 के ऊपर 6% बट फॉर अ मंथ, दैट इज नॉट बाय 12। ये बन जाएगा 3,750। चलिए जी उसके बाद इसने माइनस किया है, माइनस मतलब इसकी कैपिटल होगी 625 बट 5 महीनों का, 6% इंटू 5/12, राइट। उसके बाद 625 में 625 उसने और ऐड किया, कैपिटल बन गई 12,50,000 इनटू 6% इनटू 6/12, सो दिस यू कैन कैलकुलेट एंड योर आंसर विल डेफिनेटली मैच विद योर बुक। सेकंड का आएगा 56,875, सो दिस इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
उसने इसे पास्ट एडजस्टमेंट का नहीं बनाया, वी विल सॉल्व इट बाय पास्ट एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं चार्ज किया था तो अब चार्ज कर देते हैं। कैपिटल फिक्स है इसलिए प्रॉफिट यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे नहीं देंगे, इंटरेस्ट एंड कैपिटल इसको देंगे। और हाउ वी विल प्रोसीड, लेट्स सी एनालिसिस टेबल देखें। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, सो आई हैव 5 मिनट्स। सी द एनालिसिस टेबल,